हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और आज हम आलू से बनाएंगे एकदम नई तरीके की चटपटी रेसिपी, जिसे आप ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्स, डिनर कभी भी बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये बनके तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ मैंने लिया है 5 मीडियम साइज के आलू। यहाँ मैंने आलू को अच्छे से 2 से 3 बार धो ली हूँ और अब हम आलू को छील लेंगे। और अब हम आलू के इस तरीके से पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ना मैं इसे ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला काट रही हूँ, ये चिप्स से थोड़ा सा ही ज़्यादा मोटा है। और इस तरीके से आप काटेंगे तो ये बहुत ही इंस्टेंट बनेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे आलू को बिल्कुल इक्वल साइज में नाइफ या चाकू से ही काट ली हूँ। और अब हम क्या करेंगे कि आलू को पानी में डालेंगे। यहाँ मैंने आलू को छिलके समेत धोई थी, तो हम क्या करेंगे एक बार फिर से कट करके आलू को इस तरीके से धो लेंगे, जिससे आलू हमारे बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। और अब हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई जब तक गर्म हो रही हम इसमें तेल डालेंगे। यहाँ मैं 2 चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ। आप सरसों तेल की जगह कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और तेल हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है तो हम इसमें 1 चम्मच 5 फ़ोरन डालेंगे। आप इसमें राई या फिर जीरे का भी तड़का लगा सकते हैं। और 1 से 2 चुटकी हींग डालेंगे, हींग से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और अब हम इसमें एक इस तरीके से सूखे हुए लाल मिर्च को तोड़ के डालेंगे। आप इसकी जगह हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस रेसिपी की तरह आप दोनों मिर्च का यूज़ करें, इससे दोनों मिर्ची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इसमें बारीक कटे हुए 1 मीडियम साइज के प्याज डालेंगे। प्याज आपको पसंद है तो आप इसमें डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसे कढ़ाई में हाई फ्लेम पे 20 से 25 सेकेंड के लिए भून लेंगे, जिससे प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगी। और अब हम इसमें कटे हुए आलू डालेंगे। यहाँ मैंने आलू को पानी में से निकाल कर इसका एक्स्ट्रा पानी को छान ली हूँ। और अब हम कटे हुए आलू को कढ़ाई में डालेंगे और गैस का फ्लेम एक बार फिर से हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे 1 मिनट के लिए आलू के साथ अच्छे से प्याज को भी भून लेंगे, जिससे आलू हमारे काफ़ी अच्छे से भुनेंगे भी और ये पकेंगे भी। और अब हम इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और आलू हमारी एकदम फीकी ना लगे इसके लिए हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। नमक डाल करके हम फिर से एक बार आलू को चलाते हुए अच्छे से नमक और हल्दी में मिक्स कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं नमक और हल्दी अच्छे से आलू में मिक्स हो गई है। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ढककर हम इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं और एक बार फिर से हम इसे अच्छे से चला लेंगे और चेक कर लेंगे। आलू हमारी अभी 50% पक गई है। तो इस टाइम पर हम इसमें बारीक कटे हुए मीडियम साइज की 1 टमाटर डालेंगे। टमाटर डालना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। टमाटर डालकर हम इसे भी 20 से 25 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, जिससे हमारे रेसिपी का फ्लेवर एकदम चटपटा होगा। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाले से इसका स्वाद और बढ़ जाता है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डालें, नहीं तो आप गरम मसाले को भी स्किप कर सकते हैं। और अब हम मसाले डालकर इसे अच्छे से आलू में मिक्स कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं हमारे आलू में मसाले बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे ढक करके 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। और अब आप देख सकते हैं 2 मिनट हो गए हैं, आलू की कतली हमारी बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो गई है। तो इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे चलिए गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से ईजी और इंस्टेंट आलू की चटपटी कतली बनाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और इस तरीके के आप आलू की कतली बना करके इसे
लंच में दाल चावल या डिनर में चपाती पराठा किसी के भी साथ खाए, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगती है। और आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और नाश्ते में बनाएं, ये खाने में पूरी के साथ भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और अपना फीडबैक एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नए ईजी और इंस्टेंट रेसिपी को।